अस्सलाम वालेकुम, मैं समीर सैयद, आप देख रहे हैं नजर इंडिया न्यूज। बता दें आपको कि दारुल फलाह के पास जो एक राशन की दुकान है, तो दुकान पर जो भी राशन आता है, लोग जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनका राशन कार्ड है, वो वहाँ से राशन लेते हैं। अभी आज हमारे साथ में एक चचा है जो आज जो है चावल लेकर के आए हैं। उस चावल के देखने से तो ऐसा लगता है कि वो चावल कम और सीमेंट ज़्यादा है। अगर ऐसा ही राशन सरकार देने लगी तो कुछ दिनों में जो है समस्या नहीं कम होगी लेकिन इंसान कम हो जाएंगे। इसी सिलसिले में जो चाचा ने जो है चावल वहाँ से लाए हैं, उनसे हमने बात किया है, उनका क्या कहना है वो हम आपको दिखाते हैं। लेकिन दो तीन बार मैंने अंकल को ना बोला, अंकल जाने तो कुछ नहीं होता, वो करेगा गलती। ये दो तीन बार से ज्यादा हो गया। देखो सीमेंट, मैंने चाचा, क्या नाम है आपका? अब्दुल अजीज भाई, ये जो आप चावल दिखा रहे हो ये कहाँ से लाए हो? ये राशन की दुकान से। कौन से राशन की दुकान से? ये अपना दारुल फलाह है ना, दारुल फलाह के नीचे जो है। जी हाँ, दारुल फलाह के नीचे जो है जी। तो ये अभी पहली बार ऐसा दिया है या फिर? ये फर्स्ट टाइम ऐसा मिला है। इससे पहले भी मिलता था घाम, लेकिन इतना घाम नहीं होता था। आज तो देखो कि पूरा पत्थर है और सीमेंट लगा हुआ है इसके अंदर में, देख लो। और गेहूं सब है, पूरा गेहूं है इसमें, ये गेहूं है पूरा, देख लो। ये गेहूं मिक्स करके ऐसा दिया जैसे फ्री में दे रहा हो। क्या कहना चाहेंगे ऐसे राशन वालों को? अभी क्या कह रहे हैं, इनको तो फांसी दे देनी चाहिए ऐसे आदमी को, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ये तो इंसान ही खाता है, कोई जानवर थोड़ी खाता है। ऐसा राशन, ऐसा दे चावल देगा।